जकात नहीं देने का नुकसान क्या है, जकात नहीं देने का नुकसान ये है। सही तबरानी की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जो लोग जकात नहीं देते उनका माल अल्लाह जो है तबाह और बर्बाद कर देता है। इसी तरह सही तबरानी की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जगह लोग जकात नहीं देते तो अल्लाह वहाँ पर कैस साली आता है, वहाँ पर कैस साली आती है, बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, या फिर क्या होता है ज़्यादा बारिश हो जाती है, बेमौसम बारिश हो जाती है, वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। और आज हम देखते हैं यही अमल होता है, हम कहते हैं बेचारा मुस्लिम देशों के अंदर होता है, वहीं पर होता ज़्यादा। आप देखिए, आप उठाइए आप रिकॉर्ड, मुस्लिम देशों में होता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने फरीजे को छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें उन पर आती है, बीमारी फ्लू उनके अंदर फैल जाता है, बीमारियाँ ताउन की बीमारियाँ फैल जाती है। इसी तरह जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह फुसिलत सूरह नंबर 51 आयत नंबर 67 में अल्लाह फरमाता है, और मुशरिकीन पर अफसोस है कि जो जकात नहीं देते, यानी आखिरत के भी मुनकिर है। यानी क्या, नहीं देने वाला कौन है? मुशरिक भी है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि मुशरिकीन पर अफसोस है कि वो जकात नहीं देता। जो नहीं देता वो अपने आप को चाहे मोमिन कहे, मुसलमान कहे, ईमान वाला कहे, मुशरिक है वो। अल्लाह की वसूल से तो यही मिल रहा है हमको, वसूल से हमको यही मिलता है जो अल्लाह ने कुरान, वो आखिरत का भी वो इनकार करता है। इसी तरह जो सूरह इमरान सूरह आले इमरान की आयत नंबर 180 में अल्लाह फरमाता है कि जो माल अल्लाह ने दिया उसमें कंजूसी करते हैं तो वो उस कंजूसी के अंदर अपना हक समझते हैं, यानी कंजूसी तो करते हैं लेकिन हक भी समझते हैं, क्यों दूं भाई, मेरे कमाया, हक समझता है तो वो इसको जो है हक अच्छा समझते हैं। तो नहीं, बल्कि वो क्या, कयामत के दिन उनका माल, उनके जो है माल को तोक बनाकर उनके गर्दनों में लाट दिया जाएगा, यानी उनके गर्दन के अंदर उसका वजन बनाकर डाल दिया जाएगा। तो उन्हें बचाया था ना माल, ये तेरे गर्दन में डाल दिया जाएगा, उससे सर भी नहीं उठा पाएगा। और इसी तरह, और ये अल्लाह ने फिर आगे क्या फरमाया कि हालांकि अल्लाह तो जमीन और आसमान की मीरास का मालिक है, यानी मीरास ये सब अल्लाह का ही है, लेकिन क्यों कह रहा है तुमसे, अल्लाह के पास क्या कमी है जो तुमको कहेगा? अल्लाह क्यों कहता है तुमको खर्च करने के लिए कि अल्लाह के पास नहीं है? इसलिए बोलता है अल्लाह, इसलिए कहता है ताकि तुम्हारे काम आ जाए। अल्लाह तो गनी है, उसके पास सब, चाहे पूरी दुनिया मांग ले उसके पास कोई कमी पड़ना है, कुछ भी नहीं पड़ना है। अल्लाह के रसूल तो फरमाते कि अल्लाह के पास में अगर सारे इंस और सारे जिन्स अल्लाह के एक साथ मांगे, जो जो चाहे मांगे, तो उस अल्लाह के खजाने में से इतनी भी कमी नहीं होती जितनी सुई को समुद्र में से निकाल कर उसके नोक पर जो पानी आता है, क्या पानी लगेगा उसके नोक पर, उतनी भी कमी नहीं होती। तो उसको नहीं चाहिए, ये तो हमसे कहता है। इसलिए अल्लाह, देखिए आपने कहा कि अल्लाह ने कि जो नहीं देते फिर अल्लाह ने उसको जो साफ वापस के भी दिया कि वो तो जमीन और आसमान की मीरास का मालिक है, लेकिन वो तुम्हारे दिलों को भी जानता है तुम क्यों नहीं देते। तो इसी तरह जो तो जो जमा करते हैं उसके ताल्लुक से सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 34 और 35 में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग सोना और चांदी को जमा करते हैं, अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते, तो उस दिन अजाब अलीम की उनको खबर सुना दो। तंज किया अल्लाह ने, यानी क्या, खुशखबरी सुना दो उनको, खुशखबरी। अल्लाह जब भी कई जगह आता है कि उनको खुशखबरी दो अजाब की, तंज है ये, खुशखबरी के नाम पर तंज दिया जा रहा है कि जिस दिन उनका माल दोजख की आग के अंदर गर्म किया जाएगा और इसी माल से उनकी पेशानी, उनके पहलू पर ये चुभोया जाएगा, उनको इसे दागा जाएगा और कहा जाएगा कि यही तो है तेरा माल जो दुनिया के अंदर तू जमा किया करता था, अब मजा चक, जो नहीं अदा करता तो उसके जो है उसको माल को ही किया जाएगा। तो इससे पहले हो गए वो दीन आए, हम जो फरीजा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास गुंजाइश से जो अल्लाह की राह में माल को खर्च करें। इधर सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के रावी फरमाते हैं कि जो है वो शख्स दुनिया के अंदर जकात नहीं देते थे, अल्लाह उनके गले में एक गंजा सांप डाल देगा, उनके गले में एक गंजा सांप डाल देगा और वो गंजा सांप उनके होंठों को डसेगा। नाजुक चीज़ क्या है? जिस्म के अंदर होंठ, सबसे पहले आप देखिए आप गिरते हैं, आप सबसे पहले किस पर लगती है? होंठों पर, फट से फट जाता है। और इसको वो ढसेगा और गंजा, और उलमा लिखते हैं गंजा क्यों, क्योंकि वो इतना झेर उसके अंदर होगा कि उसके बाल और उसकी जो मूछें होती है ना वो सब उसकी खिर जाएगी उसकी झेर की शिद्दत की वजह से। तो वो जब ढसेगा तो वो जो है पूरा उसको ढस लेगा। और दोजख के सांप, कोई सांप ये नहीं कि हम कहते इतना होगा, ढस लेगा, कोबरा होगा, अजगर होगा, एनाकोंडा होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दोजख के जो सांप है वो ऊँट और बिच्छू, उनके जो बिच्छू खच्चर जैसे, खच्चर इतने बड़े बिच्छू और ऊँट बड़े बड़े इतने सांप होंगे, तो ऐसे उनको ये ढसेंगे। इसी तरह जामे तिर्मिज़ी की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ज़कात नहीं देता उनके लिए जहन्नम की आग है, उनके लिए जहन्नम की आग है। और इसी तरह जो है, और जो सहाबा ने जंग भी की है इसके लिए, जंग की जा सकती है, जंग की है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के ताल्लुक से था, कई लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ज़कात देना बंद कर दिया। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि नहीं, अगर किसी ने जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में एक जो जानवर देता था ज़कात में, उसके रस्सी भी देता तो मैं रस्सी भी लूँगा, उसके लिए भी जंग करूँगा नहीं। तो इससे मिलता है कि अगर कोई ज़कात नहीं देता और जहाँ इस्लामी शरीयत नाफिज़ हो तो इससे जंग भी की जा सकती है, उसको मारा भी जा सकता है।
اتنا بڑا فریضہ اس سے ہم کو اس کو معلوم پڑتا ہے.